सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर में रुके विकासात्मक कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की और इन कार्यों में किस तरह से तेजी लाई जा सकती है इस बारे में अपने सुझाव दिए। आपको बता दें कि सोलन के शांति बाईपास बेल्डर मार्केट सोलन में विभिन्न स्थानों की पार्किंग चंबाघाट में पैदल पथ का कार्य तब से अधर में लटका नजर आ रहा है जब से सोलन में भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है। यही कारण है कि अब सोलन के विधायक सुर्ख नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को किसी भी सूरत में कार्य को जल्द पूरा करने की सलाह दी है। सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन के ज्यादातर विकासात्मक कार्य चींटी की चाल में चल रहे हैं और जिसका खामियाजा सोलन की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए वह सोलन के विकासात्मक कार्यों को लेकर विधानसभा में सवाल करने जा रहे हैं ताकि सोलन के विकासात्मक कार्यों को जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसी के लिए उन्होंने आज विभाग के सभी अधिकारियों से कार्यों के बारे में चर्चा की और उनमें से आ रही अड़चनों को किस तरह से दूर किया जा सकता है इस बारे में विचार कर अड़चनों को दूर करने के सुझाव भी दिए गए ताकि सोलन वासियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। विकास के जो कार्य हो रहे हैं या हो चुके हैं या जो काम चले हुए उन गतिविधियों का एक आकलन समझो या उन्हें उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र घुमाने का टाइम बीच बीच में हम देते रहते हैं। इन सब योजनाओं के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सुबह से अपना काम कर रहे थे। जो इसमें समस्याएं सामने आती रही हैं उनको कोशिश की जा रही कि रिजॉल्व किया जाए। फिर प्रश्न इस मामले में इस बार के विधानसभा सत्र जो 10 से 15 का होगा में डाले हैं और प्रयास किया है मैंने भी कि हम जो विकास के काम हैं उनमें ज़्यादा गति प्रदान करें। कुछ एक ऐसे भी काम हैं जो जल्दी होने चाहिए और ख़ासकर जैसे मैं सच कहता हूँ शांति बाईपास अभी तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त सोलन टाउन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है व्हीकल्स का, ट्रैफिक का। उसको आसान किया जा सकता, हल्का किया जा सकता।